हेलो भैया, मैं अरुण पवार। पहचान लिया होगा आपने देख के कौन सी गाड़ी में फिलहाल हम बैठे हुए हैं। ये है 2020 फेसलिफ्ट इग्निस। तो आज इसकी करने वाले टेस्ट ड्राइव कैसी चलने में है, BS6 कॉम्प्लेंट इंजन के साथ ही आई है। यहाँ पे आप देखें तो ये एक चीज़ अट्रैक्ट कर रही है, ऐसी कुछ डिजाइनिंग इसमें मिल जाती है। AC अभी ऑन है, 24 टेम्परेचर है। इंजन नॉइज मैं आपको चेक करा देता हूँ, आपको केबिन में इंजन नॉइज फील होगी या नहीं। तो पेट्रोल इंजन है तो उस इसके हिसाब से मैं आपको एक बार बोनट खोल के चेक करा दूँ कार को ड्राइव करने से पहले। तो बिल्कुल भी नॉइज नहीं है, आपको पता भी नहीं लगेगा कि भाई पेट्रोल इंजन स्टार्ट भी है नहीं, अनलेस आप इसको खोल लेते हो। ऐसी कुछ इंजन नॉइज आपको मिलेगी, बिल्कुल साइलेंट इंजन है आपको। केबिन में तो जब बाहर ही कोई नॉइज पता नहीं चल रही तो अंदर कहाँ से पता चलेगी। ये भी तब है जब मैंने AC ऑन कर रखा है, अगर मैं AC ऑन ना रखूँ तब ये इतनी भी नहीं आएगी। तो चलिए अब हम चलते हैं। MID आप देख लीजिए, ये सारी इंफॉर्मेशन इसमें रहती है। तो सीट बेल्ट हम डाल लेते हैं, उसके बाद गाड़ी को भगा के देखेंगे कि जो BS6 कॉम्प्लेंट इंजन 1.2 लीटर का इसमें आता है, स्विफ्ट बलेनो वगैरह का, वो कैसा चलता है इस कॉम्पैक्ट SUV में। ऐसे पकड़ लो कैमरा को ना, मेरा फेस नहीं आना चाहिए बस। तो पहला गेट डाल लेते हैं और आपको जो व्यू मिलेगा बहुत वाइड मिलेगा बाहर का, काफ़ी पूरा ऐसे लग रहा है कि भाई किसी बड़ी गाड़ी में बैठे हो। एक बहुत बड़ा व्यू आपको मिलने वाला है ज़रूर इस कार में। तो खींच रहे हैं भाई कार को, सेकंड गियर में कार है अभी, देखना रेड मार्किंग कितनी पहुंच जाती है कार। 6000 RPM पे ये 80 चढ़ जाती है सेकंड गियर में, अब ये थर्ड गियर पे भाग रही है। आपको थोड़ी रोड नॉइज जरूर सुनाई देगी, रोड नॉइज आ रही है क्योंकि म्यूजिक वगैरह ऑफ है। बाकी पिकअप मेरे को ज़्यादा ही लग रहा है इस इंजन में, क्योंकि मैं ज़्यादातर ड्राइव करता हूँ बलेनो जिसमें सेम इंजन आता है। तो वेट भी सभी गाड़ियों का मारुति का सेम साइज होता है, लेकिन इसमें पावर और पिकअप ज़्यादा महसूस हो रहा है। थर्ड गियर में जैसे कार परफॉर्म कर रही है, जैसे थर्ड गियर में अभी कार, और गियर शिफ्टिंग बहुत ज़्यादा स्मूथ है, मज़ेदार है भाई कार चलाने भगाने में तो मज़ेदार है। इसकी माइलेज की बात करते हैं तो माइलेज क्या मिल जाएगी सर इसमें हमको, इसका है 20.89। अच्छा, तो माइलेज भी आपको बेहतर मिल जाएगी इस इंजन के साथ, BS6 कॉम्प्लेंट इंजन है। तो ये मैं फिफ्थ गियर में कार को ड्राइव कर रहा हूँ और कार बहुत स्मूथली भाग रही है, मज़ा आएगा भाई आपको ज़रूर इस कार चलाने में ना। और सबसे बढ़िया चीज़ जो मेरे को लग रही है वो इसका जो व्यू है ना, बहुत वाइड है। ब्रेजा में आप बैठे होंगे तो उसका भी काफ़ी बड़ी विंड शील्ड है जिसके वो पूरा व्यू मिलता है। और आपकी स्विफ्ट हो या बलेनो हो, कोई सी कार हो जो इससे 2 या 3 सेगमेंट ऊपर चले जाते हैं, उनसे भी आपको सीटिंग पोजिशन ऊपर मिलती है और काफ़ी एक अच्छा व्यू मिलता है। और ऐसा तो नहीं कहेंगे कि भाई बोनट नज़र आ रहा है कॉम्पैक्ट SUV, ऐसा तो नहीं कहेंगे। पर हाँ भाई, कार की लुक बेशक कितना ही लोग क्रिटिसाइज इसको करते हों, लेकिन लुक के हिसाब ड्राइव के हिसाब से कार में दम जरूर है। अगर आप सेंट्रो वगैरह का देखते हैं ना, सेंट्रो हो गई या फिर आपकी हो गई ये दूसरी एस्प्रेसो वगैरह, थोड़ा सा बजट एक्सटेंड करके इसको बेस वेरिएंट को आप जरूर ले सकते हैं। आपको जो एक तो देखो टायर बड़े मिल रहे हैं, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं वो, उन्होंने ही मेरे साथ ये शेयर किया था, वो सोच रहे थे एक बार वैगनार की नहीं उसकी सेंट्रो की, और उन्होंने फिर जब इसको कार को देखा लेकिन इसको तो उन्होंने पता क्या सोचा कि यार बड़े टायर मिलेंगे, बड़ा इंजन मिलेगा तो इस कार को क्यों ना उठाया जाए। तो इस वजह से आप इसको ज़रूर देख सकते हैं, बट चला के इंजन वाली जो इंजन की जो मज़ा है ना वो आपको इस गाड़ी में ज़रूर मिलने वाला है। बस एक हल्की सी चीज़ जो मेरे को अभी नोटिस मारे, इंजन नॉइज सॉरी रोड नॉइज में कुछ ज़्यादा फील हो रही है, उसका रीज़न पता नहीं क्या है, लेकिन रोड नॉइज हल्की सी है इसमें। और सबसे बढ़िया चीज़ इसका टर्निंग रेडियस है ना, छोटी सी गाड़ी है तो काफ़ी कम है, तुरंत आप इसको घुमा सकते हो, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। इन कार्स को निकलने देते हैं, अब
अब आप देखना है इसका 0 to 100 वाला टेस्ट। अभी मैं इसको एक जगह लगा लेता हूँ पहले ना। कार स्टिल है पूरी तरीके से, 0 की स्पीड है। पहला गेट डालूंगा और आप देखना इसका अब क्या सीन बनता है। तो 6000 पे जाके जो इंजन है वो लैग मार जाता है, फुल एक्सलेट कर रखा है मैंने गाड़ी को और ये 100 टच कर गई। टाइमर नीचे आ रहा है आप देख सकते हैं उसके हिसाब से, और कार में दम है भाई ये बात जरूर है। और 80 क्रॉस करते ही कार में बीप मिलेगी आपको। तो आपने देख लिया कि क्या हिसाब किताब इसका रहता है अगर इसका आप 0 to 100 करना चाहें। कार भागने में बहुत सही है। बाकी ब्रेकिंग की बात करते हैं तो ठीक ब्रेकिंग है, आपको पैडल को ज़्यादा अंदर तक प्रेस करना पड़ता है, पर ब्रेक अच्छी है कार में। और ओवरटेकिंग के हिसाब से कार बहुत ज़बरदस्त है जैसे मैंने आपको बताया। छोटा सा एरिया है, बिल्कुल कॉम्पैक्ट सी कार है, सिटी के हिसाब से बेस्ट है। जो इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट, ऑटोमेटिक आता है ना इसमें, तो ऑटोमेटिक वेरिएंट है जो इसका, वो लेके मतलब बहुत बढ़िया इंजॉय कर सकते हो सिटी राइड्स को। अब एसी की और परफॉर्मेंस की मैं बात कर लेता हूँ। जो इसमें एसी मिलता है ऑटोमेटिक, काफ़ी सही है, बिल्कुल गाड़ी चिल्ड कर रखी है इसने। 24 पे है टेम्परेचर, फिर भी काफ़ी सही है इसका। ऑटो पे अगर हम लगा देते तो ऑटोमेटिकली अपना एडजस्ट करता रहता है। हमने जो 24 टेम्परेचर सेट कर दिया तो ब्लोअर की स्पीड अपने आप एडजस्ट होती रहती है, वो काफ़ी सही है। इसका रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा है। साउंड वगैरह को मैं इसमें आपको नहीं सुना सकता क्योंकि कॉपीराइट पड़ सकता है। बाकी गाड़ी में 4 ट्वीटर 4 स्पीकर मिलते हैं आप, और कहीं ना कहीं 20 के बाद इसमें शिकायत होती है कि आवाज़ फटने लग जाती है। क्योंकि एक कार मैंने एक्सा के ऑन कर रहा हूँ तो मेरे को एक्सपीरियंस है उस चीज़ का। मैंने अभी हाल ही में वो चेंज भी करवा लिए हैं। वैसे पेपर कोइल लगा के देती है, जो स्पीकर होते हैं ना पेपर कोइल वाले होते हैं, काफ़ी हल्की क्वालिटी के होते हैं वो। तो ऐसे कुछ आपको स्पीकर इसमें मिलेंगे। बाकी वो ये है कि अगर शौक होगा तो बंदा वैसे भी उनको अपग्रेड कराएगा, जिसको नहीं होगा वो उनको ही सुन लेगा, मतलब जो नॉर्मल आवाज़ होती है। वैसे ठीक ठाक उनकी भी आवाज़ है, कोई ऐसा नहीं कि भाई कोई ज़्यादा ख़राब है, पर ठीक है। और कार के मैं अब अपने ओवरऑल एक कंक्लूजन पे आऊँ तो मेरे को गाड़ी चलाने में काफ़ी सही लगी। बेशक से पीछे का डिज़ाइन इसका कैसा ही हो, पर चलाने के हिसाब से जो इसका इंजन है ना वो काफ़ी मज़ेदार है। जो इसकी बेस मॉडल की कीमत है 5,66,000 रुपये है, तो उसके हिसाब से क्या घाटा है। हालांकि इसके BS6 कॉम्प्लेंट इंजन के आने के बाद इनका प्राइस ज़रूर बढ़ा है, लेकिन वही है, आप टर्निंग रेडियस देखें कार का फटाफट मुड़ जाती है। कहाँ क्या आया है निकल के कर देता अभी। तो ये भाई इग्निस फेसलिफ्ट का मेरा एक ड्राइव रिव्यू। इसका मैंने पूरा फीचर्स वगैरह बता रखा है, वो आपको आई बटन में मिल जाएगा। मेरे हिसाब से गाड़ी ठीक है चलाने के मामले में, बस लुक्स को अगर पीछे से और थोड़ा इन्हेंस करते तो कार थोड़ी अच्छी बिक सकती थी। बाकी वीडियो देखने आपका धन्यवाद। पसंद है तो आप लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।